जाता हूँ। मुझे ऑन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं। कभी एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी। रामचरण की किस फोटो ने फैंस को बना दिया दीवाना? कहां हो रही है फिल्म की शूटिंग? दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। आरआरआर के सुपरस्टार रामचरण अब अपने अगले एक्साइटिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है RC-15। वैसे साउथ फिल्मों की ये खासियत है कि उनके टाइटल भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। खैर, अभी इस फिल्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल रामचरण ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसमें राम थोड़ी सी बियर्ड के साथ आंखों पर काला चश्मा लगाकर अपने न्यू हेयर स्टाइल को फ्लॉन्ट करते हुए दिख रहे हैं और उनके साथ बैठे हैं सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम। इस तस्वीर को शेयर करते हुए राम ने यही बताया, मैजिकल वॉक ऑफ आलिम हकीम, यानी कि आलिम हकीम का जादुई काम जल्द ही देखने को मिलेगा। मतलब उनके लुक को लेकर बात की जा रही है। आलिम हकीम की बात करें तो उन्होंने जूनियर NTR के फिल्म NTR 30 के लुक को भी शेयर किया था, जिसमें NTR काफी जबरदस्त दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इस वक्त न्यूजीलैंड में हो रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का स्पेशल सॉन्ग वहाँ पर शूट किया जाएगा, जिसमें राम के साथ नजर आएंगी बॉलीवुड हसीना कियारा आडवाणी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एस शंकर। बताया जाता है कि रामचरण फिल्म में एक IAS ऑफिसर का किरदार निभाने वाले हैं। वैसे रामचरण पर और उनके हर एक स्टाइल पर फैंस पहले से ही दीवाने हैं, तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के जरिए वो और फैंस को कितना दीवाना बनाते हैं। तो इस तेलुगु एक्शन फिल्म का और हमारे स्टार का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। लगता है कोई पहली बार मर गया है यहाँ। एकदम सही।